कुंभ राशि, सूर्य गए आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में, अब जाएंगे 14 मई को और सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपका एग्रेशन बढ़ा देंगे, आपका गुस्सा बढ़ सकता है, आपका एग्रेशन बढ़ सकता है और क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा वरना मुश्किलें बढ़ेंगी और आपके संबंध खराब होंगे। तो अगले एक महीने तक अपने क्रोध और अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, कोई परीक्षा है अगर आपकी, कोई कंपटीशन है, प्रतियोगिता है आपकी, उसको लेकर के सतर्क रहेंगे, नहीं तो शिक्षा प्रतियोगिता में असफल हो सकते हैं। तो शिक्षा प्रतियोगिता पर इस समय ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। वैसे देखिए कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कतें जैसे पेट की समस्या, सर दर्द की समस्या, आँखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। पेट की, सर दर्द की और आँखों की समस्या से इस समय आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। कुंभ वाले अगर थोड़ा अलर्ट होके चलें, अपने क्रोध और जबान पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, तो ऐसा करने से कुंभ वालों का ये समय आसानी से निकल जाएगा। अगर विवाह संबंधी कोई रिश्ता चल रहा है, कोई बात चल रही है, बड़े सावधानी से उसको हैंडल करिएगा, ऐसा ना हो कि बात होते होते टूट जाए। क्या उपाय करेंगे, रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करेंगे। दो सूर्य के मंत्र आपको बताते हैं। एक मंत्र है ओम आदित्याय नमः और दूसरा मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिएगा, सूर्य संबंधी बाधाएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा है, उत्तम है और मीन वाले पिछले दिनों से जो परेशानियां झेल रहे थे वो परेशानियां अब इंस्टेंट समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। आपके जो काम रुके हुए थे, जो काम फंसे हुए थे, आप कोशिश करके इस समय देखिए आपके रुके हुए फंसे हुए काम पूरे हो जाएंगे। सबसे बेहतर बात क्या होगी, करियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं, करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो करियर में नए अवसर और सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी और इस समय आपको संपत्ति का या वाहन का लाभ हो सकता है। यानी सबसे पहले बात तो ये है कि मीन राशि वालों के जीवन की जो रुकावटें थीं वो रुकावटें अब दूर होंगी। करियर के लिए काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास में लगे हुए हैं कि करियर में कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए, कोई बेटरमेंट हो जाए, तो अब आपके करियर में इम्प्रूवमेंट बेटरमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, इस समय संपत्ति या वाहन का फायदा आपको हो सकता है। समय बहुत अच्छा है मीन वालों का,
इस समय का पूरा सदुपयोग आपको करना चाहिए। क्या उपाय करेंगे? अगले एक महीने तक रोज सुबह सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगले एक महीने तक सूर्य देव को आप जल चढ़ाना शुरू कर देंगे, आपके जीवन की तमाम बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी।